जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर सीरीज में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आईपीएल 2021 से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आईपीएल 2021 का फाइनल मैच 15 अक्टूबर 2021 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने खिताब अपने नाम किया। इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी, इसके अलावा जितने भी अवार्ड दिए गए हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी चैनल पर रहे हैं, कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो की फिर पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक आईपीएल 2021 से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। दोस्तों, इस बार आईपीएल 2021 जो आईपीएल का है, कौन सा संस्करण, तो दोस्तों आप सभी को पता है आईपीएल का इस बार 14वां संस्करण खेला गया है। 2008 से आईपीएल की शुरुआत की गई थी, 2008 में पहली बार आईपीएल खेला गया था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने खिताब अपने नाम किया। इस बार 2021 में आईपीएल का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने नाम किया है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा आईपीएल का खिताब आप सभी को पता है मुंबई इंडियंस ने अपने नाम किए हैं। इन सभी को भी लास्ट में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस पहले हम 2021 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन, आईपीएल 2021 कौन सा संस्करण है, तो दोस्तों इस बार आईपीएल 2021 आईपीएल का 14वां संस्करण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, आईपीएल 2021 कहां पर आयोजित हुए हैं, तो दोस्तों आईपीएल इस बार आप सभी को पता है इंडिया, भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई। जी हां दोस्तों, भारत और यूएई में इस बार आयोजित किए गए हैं। पहले मैच भारत में खेले गए थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण जो है इनको स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद में जो शेष बचे हुए मैच हैं उनको संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया है। दोस्तों, भारत में 9 अप्रैल से लेकर 2 मई 2021 तक कुल 29 मैच खेले गए थे, उसके बाद में कोरोना वायरस को देखते हुए स्थगित कर दिए। और अभी 19 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर 2021 तक 27 मैच और इसके अलावा 4 प्लेऑफ मैच खेले गए हैं यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे आईपीएल 2021 में गवर्निंग काउंसिलिंग के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों ब्रिजेश पटेल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद रखना होगा आईपीएल 2021 में गवर्निंग काउंसिलिंग के अध्यक्ष हैं ब्रिजेश पटेल। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, आईपीएल 2021 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है, तो दोस्तों इस बार आईपीएल 2021 का टाइटल स्पॉन्सर है वीवो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। करंट अफेयर की दृष्टि से कोई सी भी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस, इसके अलावा जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है उनमें आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईपीएल 2021 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वीवो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद रखना होगा आईपीएल 2021 का टाइटल स्पॉन्सर है वीवो। इसके अलावा आईपीएल 2021 के जो ऑफिशियल पार्टनर हैं, सफारी, ड्रीम इलेवन अकेडमी, क्रेड और यूपी स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आईपीएल 2021 के जो ऑफिशियल पार्टनर हैं, ड्रीम इलेवन अकेडमी, क्रेड, यूपी स्टॉक, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, इसके अलावा आईपीएल 2021 की चैंपियन टीम कौन सी रही है, तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया, इस बार आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर से अपने नाम किया है। इस बार चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथी बार टाइटल अपने नाम किया है। इससे पहले 2010, 2011, 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। दोस्तों, चैंपियन टीम को 20 करोड़ रुपए की राशि जो है दी जाती है। इसके अलावा उपविजेता इस बार रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स उपविजेता रहे हैं, जिनको 12.5 करोड़, जी हाँ दोस्तों, विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। इसके अलावा उपविजेता टीम को 12.5 करोड़। तीसरे नंबर पर रहे हैं आईपीएल 2021 में दिल्ली कैपिटल्स। जी हाँ दोस्तों, तीसरे नंबर पर टीम रही है दिल्ली कैपिटल्स, जिसे 8.75, जी हाँ दोस्तों, 8.75 करोड़। इसके अलावा चौथे नंबर पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। जी हाँ दोस्तों, चौथे नंबर पर रही हैं आईपीएल 2021 में, चौथे नंबर पर टीम रही है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, जिसे 8.75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, पहले नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स जो विजेता टीम रही है, उसे 20 करोड़ रुपए की राशि दी गई। इसके अलावा उपविजेता कोलकाता नाइट राइडर्स, तीसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स और चौथे नंबर पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार प्लेऑफ से संबंधित टीमों को पूछ लेते हैं। इस बार प्लेऑफ में कौन सी चार टीमें, तो दोस्तों चार टीमों के बारे में आपको पता होना चाहिए, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, इसके अलावा जो फाइनल मुकाबला है उसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच 27 रन से मैच जीता है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने 192 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। इसके अलावा
कोलकाता नाइट राइडर्स ने 165 रन ही बना पाए, इस तरीके से 27 रन से मैच जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। मैन ऑफ द मैच रहे हैं फाफ डुप्लेसिस। जी हाँ दोस्तों, फाफ डुप्लेसिस इस बार आईपीएल के मैन ऑफ द मैच रहे हैं। स्टेडियम आप सभी को पता है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया है। तो दोस्तों मैन ऑफ द मैच, फाइनल के मैन ऑफ द मैच रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा आईपीएल 2021 में सबसे अधिक रन, जी हाँ दोस्तों आईपीएल 2021 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं ऋतुराज गायकवाड़। जी हाँ दोस्तों आईपीएल 2021 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं जिन्हें ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 635 रन बनाए हैं। जी हाँ दोस्तों टोटल इन्होंने 635 रन बनाए हैं और इनके पास ऑरेंज कैप। इसके अलावा सबसे ज़्यादा विकेट जो है पर्पल कैप वो हर्षल पटेल। जी हाँ दोस्तों इस बार आईपीएल 2021 में जो पर्पल कैप है वो हर्षल पटेल, जिन्होंने 32 विकेट, जी हाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं हर्षल पटेल, जिनको जो है इस बार पर्पल कैप 2021 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले हर्षल पटेल, जो कि हरियाणा के रणजी ट्रॉफी टीम से खेलते हैं। जी हाँ दोस्तों हरियाणा की जो रणजी टीम है उसकी टीम की तरफ से खेलते हैं हर्षल पटेल। इस बार आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से इन्होंने खेला और 32 विकेट लेकर, सबसे ज़्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप इनके पास। तीसरे नंबर पर यदि हम डिस्कस करें आईपीएल 2021 में प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड, तो दोस्तों ये भी हर्षल पटेल को दिया गया है प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड आईपीएल 2021 में। यह अवार्ड भी जो है हर्षल पटेल को दिया गया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड, तो दोस्तों यह दिया गया है ऋतुराज गायकवाड़। जी हाँ दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ को, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं, इन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया है। दोस्तों जितने भी अवार्ड 2021 से रिलेटेड दिए गए हैं इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया है ऋतुराज गायकवाड़, जो कि चेन्नई सुपर किंग की टीम से खेलते हैं। इसके अलावा आईपीएल 2021 में गेम चेंजर ऑफ द सीजन अवार्ड, तो दोस्तों हर्षल पटेल को ही भी यह अवार्ड दिया गया है। हर्षल पटेल को 4 से 5 अवार्ड दिए गए हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। आईपीएल 2021 में गेम चेंजर ऑफ द सीजन अवार्ड भी हर्षल पटेल को दिया गया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड, तो दोस्तों सिमरन हेटमायर। जी हाँ दोस्तों सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया है सिमरन हेटमायर, जिनका स्ट्राइक रेट है 168.05। जी हाँ दोस्तों 168.05 के आसपास सुपर स्ट्राइक रहा है, इन्हें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया है सिमरन हेटमायर को। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन अवार्ड, तो दोस्तों रवि बिश्नोई, जो कि पंजाब किंग्स से खेलते हैं, किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर इस बार किया गया पंजाब किंग्स, इस टीम से खेलते हैं रवि बिश्नोई, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा था, इन्हें परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया है। जी हाँ दोस्तों परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया है रवि बिश्नोई को। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। पावर प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड, तो दोस्तों वेंकटेश अय्यर। जी हाँ दोस्तों वी अय्यर को पावर प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया है वेंकटेश अय्यर को। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड, तो दोस्तों पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है राजस्थान रॉयल्स की टीम को। जी हाँ दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है राजस्थान रॉयल्स की टीम को। दोस्तों आईपीएल में इससे पहले जितनी भी पिछली बार 2020 में आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन अवार्ड से रिलेटेड, इसके अलावा विजेता उपविजेता, कौन सी टीम ने कौन सी बार खिताब अपने नाम किया है, इसके बारे में मेन मेन पॉइंट पता होना चाहिए। तो दोस्तों पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है राजस्थान रॉयल्स टीम को। इसके अलावा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी हर्षल पटेल को दिया गया है। इसके अलावा आईपीएल 2021 में सबसे लंबा छक्का, तो दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 108 मीटर का छक्का लगाया है, इन्हें आईपीएल 2021 में सबसे लंबा छक्का लगाने वाला अवार्ड भी इन्हें दिया गया है ऋतुराज गायकवाड़ को। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। सिक्सेस ऑफ सीजन मोस्ट सिक्सेस, तो दोस्तों केएल राहुल। जी हाँ दोस्तों केएल राहुल ने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए, इस बार 30 छक्के, इसका अवार्ड केएल राहुल को दिया गया है। आईपीएल 2021 में एक मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी जोस बटलर। जी हाँ दोस्तों आईपीएल 2021 में एक मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी जोस बटलर, जिन्होंने एक मैच में 124 रन, एक पारी में 124 रन बनाए हैं, तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले एक पारी में यह अवार्ड दिया गया है जोस बटलर को। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा आईपीएल 2021 में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, तो दोस्तों एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं इस बार रविंद्र जडेजा ने, जिन्होंने 36 रन बनाए उस ओवर में, 5 सिक्स और एक चौका और एक एक्स्ट्रा रन, इस तरीके से उस ओवर में 36 रन बने थे रविंद्र जडेजा ने
आईपीएल 2021 में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का खिताब अपने नाम किया है। इसके अलावा आईपीएल 2021 में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी देवदत्त पद्दीकल। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी यदि पूछा जाए तो उसका सही उत्तर होगा देवदत्त पद्दीकल, जिन्होंने 51 बॉल में जो है आईपीएल 2021 में सबसे तेज शतक लगाया है। इसके अलावा डिस्कस करें आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी, तो दोस्तों विराट कोहली जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम के कप्तान है, इन्हें 17 करोड़ में इस बार खरीदा गया। 17 करोड़ सबसे महंगे खिलाड़ी इस बार विराट कोहली। यदि सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी की यदि हम बात करें तो क्रिस मॉरिस जो कि राजस्थान रॉयल से खेले हैं, उन्हें 16.25, जी हाँ दोस्तों 16.25 करोड़ में इस बार खरीदा गया है आईपीएल 2021 में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी विराट कोहली और सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा क्रिस मॉरिस जो कि राजस्थान रॉयल्स टीम से खेले हैं, इन्हें 16.25 करोड़ रुपए की राशि। इसके अलावा पैट कमिंस जो कोलकाता नाइट राइडर्स, इन्हें 15.5 करोड़ और महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, इन्हें 15 करोड़ रुपए में इस बार खरीदा गया है। इसके अलावा आईपीएल 2021 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी केएल राहुल, जिन्होंने 30 छक्के इस बार लगाए हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, आईपीएल 2021 में सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाले खिलाड़ी की हम बात करें तो दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 में सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाले खिलाड़ी हैं ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 64 चौके, जी हाँ दोस्तों जिन्होंने 64 चौके लगाए हैं इस बार आईपीएल 2021 में सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाले खिलाड़ी हैं ऋतुराज गायकवाड़। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, आईपीएल 2021 में शतक लगाने वाले खिलाड़ी, तो दोस्तों इस बार आईपीएल 2021 में चार खिलाड़ियों ने शतक लगाया है, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, देवदत्त पद्दीकल और जोस बटलर। जी हाँ दोस्तों, इन चारों ने जो है इस बार शतक लगाया है आईपीएल 2021 में, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, देवदत्त पद्दीकल और जोस बटलर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, आईपीएल 2021 में हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी, तो दोस्तों हर्षल पटेल। जी हाँ दोस्तों, हर्षल पटेल ने आईपीएल 2021 में हैट्रिक लिया है। एक ही खिलाड़ी जिन्होंने इस बार आईपीएल 2021 में हैट्रिक ली, उनका नाम है हर्षल पटेल। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, बेस्ट बॉलिंग इकोनॉमी, तो दोस्तों इस बार बेस्ट बॉलिंग इकोनॉमी रही है इमरान ताहिर की। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट बॉलिंग इकोनॉमी इस बार रही है इमरान ताहिर की, जिन्हें बेस्ट बॉलिंग इकोनॉमिक अवार्ड दिया गया है इमरान ताहिर को। इसके अलावा बेस्ट बैटिंग एवरेज, तो दोस्तों रविंद्र जडेजा, जिनकी 75.66 एवरेज स्ट्राइक रही है, बेस्ट बैटिंग एवरेज रविंद्र जडेजा को बेस्ट बॉलिंग इकोनॉमी दिया गया है एक ओवर में इमरान ताहिर को। इसके अलावा दोस्तों हैट्रिक की हमने बात की, आईपीएल में हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी हर्षल पटेल। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, मुंबई इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम डिस्कस करें तो दोस्तों मुंबई इंडियंस ने अब तक 5 खिताब आईपीएल में अपने नाम किए हैं, 2013 में, 2015, 2017, 2019 और 2020 में मुंबई इंडियंस ने अपने खिताब जो है अपने नाम किए। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार 2021 को मिलाकर 4 बार जो है खिताब अपने नाम किया है, 2010, 2011, 2018 और 2021 में 4 बार चेन्नई सुपर किंग्स ने। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2012 और 2014 में 2 बार अब तक जो है खिताब अपने नाम किया है, और जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में तो सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स ने खिताब अपने नाम किया था 2008 में, 2009 में डेक्कन चार्जर्स ने और 2016 में सनराइज हैदराबाद ने खिताब अपने नाम किया। तो दोस्तों इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा खिताब अब तक मुंबई इंडियंस ने हासिल किए हैं, 5 खिताब 2013, 15, 17, 19 और 20। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आईपीएल 2021 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया। इसके अलावा दोस्तों आईपीएल 2021 जो एम्पायर पार्टनर है वो पेटीएम रखा गया, ऑफिशियल स्टडी टाइम आउट पार्टनर सीएट टायर जो उसको रखा गया। इसके अलावा आईपीएल 2021 में गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आईपीएल 2021 से रिलेटेड उनको हमने डिस्कस किया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।